एक सेठ जी, एक सेठानी और उसका बेटा, तीनों शंकर जी के मंदिर में पहुंचे। अब पति के शंकर जी को जल पहले मैं चढ़ाऊंगा, पत्नी के पहले मैं चढ़ाऊंगा, बेटा के पहले मैं चढ़ाऊंगा। तीनों झगड़ रहे, लोटे में पानी भरा कलश में, शंकर जी नीचे शिवलिंग और ये ऊपर, वो इधर खींचे, वो इधर खींचे, वो उधर खींचे, पहले मैं चढ़ाऊंगा, पहले मैं चढ़ाऊंगा। और इतने में वो लोटा पानी का कलश छूट गया और छूटा तो शंकर जी पे गिरा। शंकर जी पे गिरा ऊपर कैलाश में, माता पार्वती शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जैसे ही गई, शंकर जी के सिर पे एक इतना बड़ा गुमा पड़ा। पार्वती जी ने पूछा ये क्या है? शंकर भगवान बोले नीचे एक सेठ सेठानी और उसका लड़का जल चढ़ाने आए थे, दोनों तीनों लड़ लिए मेरे ऊपर, वो के पानी मैं चढ़ाऊं, वो के मैं चढ़ाऊं, वो के मैं चढ़ाऊं, और लोटा मेरे सिर पे फेंक दिया। पार्वती जी बोली हाथ जोड़ के निवेदन है, नीचे जाओ और उनको आशीर्वाद दे के आओ। भगवान शंकर ने कहा वो मेरा कर्म फोड़ दिया और तू क्या आशीर्वाद दिया? पार्वती जी बोली ऐसे भगत दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, अभी सीरी फोड़ा है, हाथ पैर तोड़ के धर दे, उससे पहले पहुंच जाओ, जाओ जरा नीचे। शंकर भगवान दौड़ के नीचे आ गए और आते से बोले मांगो क्या चाहिए? सेठ सेठानी बच्चा तीनों पूछे तुम कौन? शंकर जी बोले मैं भोले हूं, मांगो क्या चाहिए, हम प्रसन्न हो गए तुमसे। तो सेठ जी ने पूछा इतने साल हो गए पानी चढ़ाते चढ़ाते, पहले तो कभी प्रसन्न नहीं हुआ। शंकर जी बोले पहले कभी कर्म भी तो नहीं फूटा था, तो प्रसन्न होने वाली बात। भगवान मांगो तुम्हें क्या चाहिए? अब सेठ जी बोले पहले मैं मांगूंगा, लोटा मैं लाया था। पत्नी बोले पानी मैंने चढ़ाया था, पहले मैं मांगूंगा। छोरा बोले पूरा पानी मैंने चढ़ाया, मैं मांगू। तीनों झगड़ रहा है। शंकर जी बोले लाइन से मांग लो, एक एक करके मांगो। शंकर जी ने कहा हमने सुना है लेडीज फर्स्ट, पहले सेठानी तू मांग, तुझे क्या चाहिए? सेठानी इतनी खुश हो गई, भगवान हमें क्या मांगा, शंकर जी सामने खड़े। सेठानी विचार करी, शंकर जी बोले जल्दी मंगले, मेरे को जाना है दूसरी जगह। सेठानी बोली मुझे 16 साल की बना दो। 16 70 की थी, कितने की हो गई? 16 की। अब 16 साल की होके और पति 85 का था, उसके सामने यूं यूं डोले नेना मटका। पति को इतना बुरा लगे, कहीं चोटी घुमाए 16 साल की हो गई, उसको चिढ़ाए डोकरे को। अब शंकर भगवान ने कहा तुम्हारी बारी है, मांगो सेठ जी। अब सेठ जी का तो गुस्सा इतना आ रहा था, सेठ जी बोले इसको कुतिया बना दो। अब उसको कुतिया बना दिया, पेपे कर। सेठ जी बोले अब इतना, बेटे का नंबर आया। शंकर भगवान बोले अब तुम्हारा नंबर है, मांगो क्या चाहिए। बेटे ने कहा भोलेनाथ इन दोनों के चक्कर में मत पड़ो, जैसे थे वैसे बना दो, बहुत है। विचार करना, तीन वर थे मांगने के लिए, चाहते तो जिंदगी संवार लेते, शंकर को ही मांग लेते, पर अपना सुख देखने के चक्कर में उन्हें अपनी जिंदगी नरक में मिला। वापिस वैसे की 7 दिन मौका मिलता है भागवत जी की शरणागति पाने का, कि कथा सुनने बैठे, पर हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते, हम उसको ढूंढ नहीं पाते, प्राप्ति का केंद्र बिंदु हमारे पास नहीं हो पाता। अब नयन जल, भगवान नारायण ने ध्रुव जी को गोदी में बिठा कर कहा ध्रुव मैं तुझे ध्रुव पद प्रदान करता हूँ, सारे यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सत्कर्म विवाह मंडप शादी जितने भी पुण्य होंगे सब में ध्रुव तारा साक्षी होगा। आज भी नियम है, अब आपके इधर एक ही नहीं, हमारे उधर तो आज भी नियम है कि छोरा छोरी की शादी होती है तो जो खवास होता है नाई, वो दूल्हा दुल्हन का सिर मिला के ध्रुव तारा दिखाता है। अब आज के जमाने में नाई को ही नहीं मालूम कि ध्रुव तारा कहाँ है, तो हेलोजन दिखा किया जाता है, पर ध्रुव तारा साक्षी है।
केवल एक भागवत कैसी होती है जिसमें ध्रुव तारा साक्षी नहीं होता। भागवत जी में अगर कोई साक्षी होता है तो तुलसी का पौधा साक्षी। कौन साक्षी होता है? तुलसी। इसलिए भागवत में तुलसी की महत्वता। सबसे ज्यादा भगवान को अगर कुछ प्रिय है तो क्या प्रिय है? तुलसी अधिक प्रिय है।